फिरोज शाह तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन के छोटे भाई और सिपासालार रजब का बेटा था, जो एक नौ मुस्लिम राजपूत खातून बीबी नायला के बतन से पैदा हुआ। फिरोज शाह जब पैदा हुआ तो दीपालपुर में बड़ी खुशियां मनाई गईं। गयासुद्दीन तुगलक ने भाई के घर बेटा पैदा होने पर बहुत सारे तहाइफ गरीबों में तकसीम किए, लेकिन अभी फिरोज शाह तुगलक की उम्र सिर्फ 7 साल ही थी कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया। भाई की मौत के बाद गयासुद्दीन ने अपने भतीजे फिरोज शाह तुगलक को अपनी औलाद की तरह पाला। गयासुद्दीन तुगलक को अपने इस भतीजे से इतनी मोहब्बत थी कि उसे कभी भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता था। यहाँ तक कि जब गयासुद्दीन तुगलक बादशाह बन गया तो जंगों में भी फिरोज शाह तुगलक को अपने साथ रखता था। तख्ते दिल्ली पर बैठने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने उन मंगोलों के खिलाफ फौज को तरतीब दिया जिन्होंने अभी तक कत्लो गारतगिरी मचा रखी थी। चुनाचा फिरोज शाह पूरी ताकत के साथ मंगोलों पर हमला आवर हुआ। मंगोलों ने शुरू में तो मुकाबला किया, मगर मैदान जंग में चंद ही घंटों के बाद उनके पांव उखड़ गए और मैदान जंग से ऐसे भागे के बे अंदाजा माले गनीमत मैदान जंग में छोड़ गए। इसके फौरन बाद फिरोज शाह ने ठट्ठा के बागियों की सरकोबी की। इन दोनों मार्कों से फारिग होने के बाद वो दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। सुल्तान मोहम्मद तुगलक जितना जंग और कत्लो गारत का शौकीन था, उतना ही फिरोज शाह जंग और कत्लो गारत से नफरत करता था। चुनाचा दिल्ली के तख्त पर बैठने के बाद मजीद नए इलाका फतह करना तो दरकिनार, फिरोज शाह तुगलक ने उन इलाकों को वापस लेना भी गवारा न किया जिन पर बागियों ने कब्जा कर लिया था। फिरोज शाह तुगलक कहा करता था कि हुकूमत की वसत करने के बजाय जो इलाका कब्जे में हो उसके इंतजामी अमूर बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जाए। फिरोज शाह सारी उम्र इसी अमल पे पैरा रहा। उसकी कोशिश ये थी कि राया को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम की जाएं। फिरोज शाह की ख्वाहिश थी कि मुल्क में जंगें ना हो, लेकिन फिर भी उसे मुतअद्दिद जंगों में शिरकत करनी पड़ी। तख्त नशीनी के 3 साल तक तो फिरोज शाह ने अपनी जिद्दोजहद को सल्तनत के अंदर ही महदूद रखा, लेकिन 3 साल के बाद सन 1353 हिजरी में उसे बंगाल पर हमला करना पड़ा, क्योंकि बंगाल के बागी इलियास ने सारे बंगाल में एक हंगामा बरपा कर रखा था। उसने शमसुद्दीन का लकब इख्तियार करके खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया था और बनारस के इलाके तक काबिज हो गया था। बादशाह ने सोचा कि अगर इस फितने को यहीं पर रोका ना गया तो ये आगे चलकर सारी हुकूमत को धर्म भरम कर सकता है, लिहाजा फिरोज शाह एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर शमसुद्दीन पर हमला आवर हो गया। उन्होंने देखा कि शमसुद्दीन एक जजीरे से बाहर ही नहीं आता, तो बादशाह ने जंगी चाल चलते हुए इस तरह अपने लश्कर को पीछे हटाया जैसे वो नाकामो नामुराद वापस जा रहा है। शमसुद्दीन इस धोखे में आ गया। उसने ये सोचा कि सुल्तानी लश्कर भागा जा रहा है, तो उसने जजीरे से बाहर निकल के सुल्तानी लश्कर का ताकुब करना शुरू कर दिया। सुल्तानी लश्कर फौरन पलटा और जरा सी देर में शमसुद्दीन के सारे लश्कर को काट कर रख दिया। इस तरह फिरोज शाह तुगलक को फतह हुई और शमसुद्दीन बड़ी मुश्किल से जान बचाकर फरार हो गया। फिर बादशाह ने किले का मुहासरा किया तो किले के अंदर मौजूद गरीब रैया ने दादो फरियाद शुरू कर दी। बादशाह ने हुक्म दिया कि किले को इस तरह फतह किया जाए कि किसी बेगुनाह को कत्ल न किया जाए। इस मौके पर जब बादशाह के सामने बंगाली फौजों के सरों के अंबार पेश किए गए तो बादशाह उन्हें देखकर रो गया और कहा कि इस सब में इनका कसूर न था, ये तो महज सिर्फ अपने पेट और अहलो अयाल की परवरिश के जुर्म में मारे गए। फिरोज शाह तुगलक को नए नए शहर बनाने का बहुत ज्यादा शौक था। बंगाल की मुहिम से वापस आकर बादशाह ने दिल्ली के करीब हिसार फिरोजा नामी एक नए शहर की बुनियाद डाली और अपने तमाम उमरा को हुक्म दिया कि वो भी इस जदीद शहर में अपने अपने मकानात तामीर करवाएं। इसी तरह बादशाह ने फतेहाबाद नामी एक और शहर तामीर किया। इसी तरह बादशाह ने जमुना के किनारे दिल्ली से 5 मील के फासले पर सुल्तान मोहम्मद तुगलक जोना के नाम पर एक शहर बसाया, जो शुरू में तो जोनापुर के नाम से मशहूर था, लेकिन बाद में जौनपुर के नाम से मशहूर हो गया है। फिरोज शाह तुगलक की हुकूमत का बेशतर जमाना बड़े अमन और सुकून से गुजर गया, लेकिन हुकूमत के आखिरी दौर में इस बादशाह को तरह तरह की परेशानियों और सदमों का सामना करना पड़ा।
फिरोज शाह तुगलक 50 साल की उम्र में मुल्क का बादशाह बना और उसने 40 साल तक हुकूमत की। उसकी ताजपोशी ठट्ठा के इलाके में हुई। जब वो ठट्ठा से दिल्ली पहुंचा, तो उसके यहाँ एक बेटे की विलादत हुई। दिल्ली पहुंचकर बादशाह शेखुल इस्लाम कुतुबुद्दीन से मुलाकात करने गया, जिन्होंने बादशाह को ये नसीहत की कि सुना है तुम शराब पीने का शौक रखते हो, और जब बादशाह हुकुमरान और आइमा शराब नोश हो तो हाजतमंदों की फरियाद सुनने में खलल पड़ता है और हुकुमरानों का आवाम के हाल से गाफिल रहना मुनासिब नहीं। जिस पर बादशाह ने कहा कि मैं शराब पीने से तौबा करता हूँ। दूसरी नसीहत उन्होंने ये की कि सुना है कि बादशाह को शिकार का बहुत शौक है और बेजा शिकार से खल्क को हैरानी होती है। शिकार जरूरत के वक्त करना मुनासिब है, बगैर जरूरत के शिकार करना बिल्कुल नामुनासिब है और शरई तौर पर भी मना है। जिस पर बादशाह ने कहा कि आप दुआ करें कि मेरी ये आदत छूट जाए। शेख ने कहा कि तुम मेरी दुआ के मुनकर मालूम होते हो, तुम ये क्यों नहीं कहते कि मैंने शिकार की आदत छोड़ दी। फिरोज शाह तुगलक के दौर में मुल्क में चारों तरफ खुशहाली थी और लोगों की तमाम ख्वाहिशात पूरी होती रहीं, जो मोहम्मद शाह तुगलक के दौर में खत्म हो चुकी थीं। फिरोज शाह तुगलक एक आलमो फाजिल इंसान था और अदल उसके किरदार की एक नुमाया खूबी थी। उसकी आवाम और उसकी अफवाज दोनों उससे बराबर खुश थे। फिरोज शाह तुगलक ने कुल 40 साल हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की और वफात के वक्त वो 90 साल का था। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के इंसाफ के हवाले से एक वाकया बहुत ज्यादा मशहूर है। कहते हैं कि एक दिन सुल्तान फिरोज शाह बाग में टहल रहा था कि अचानक सामने से एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बादशाह से टकरा गया। फिरोज शाह तुगलक को उस लड़के पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने छड़ी से उस लड़के को पीट दिया। लड़का रोता और फरियाद करता हुआ अदालत में जा पहुंचा और उसकी फरियाद पर काजी ने फिरोज शाह तुगलक को अदालत तलब कर लिया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक एक इंसाफ पसंद हुक्मरान था, लिहाजा एक मुल्जिम की तरह अदालत में पेश हुआ और काजी के सामने अपना जुर्म तस्लीम किया और कहा कि लड़के ने मुझे नहीं देखा था और मुझसे ज्यादती हुई है। काजी ने बादशाह को एक दिन की मोहलत दी कि कल तक इस लड़के को राजी कर लो, वरना कसास के लिए तैयार हो जाओ। बादशाह ने लड़के को बहुत सारा मालूमता देकर राजी करने की कोशिश की, मगर लड़का बादशाह की पेशकश पर राजी न हुआ। अगले दिन काजी की अदालत में लड़के ने बादशाह के जिस्म पर 21 दफा उसी छड़ी से मारा जिस छड़ी से बादशाह ने लड़के को मारा था। बादशाह ने फौरन 2 रकात शुक्राने के नफिल अदा किए और खुदा का शुक्र अदा किया और कहा कि अल्लाह ताला ने उसे इंसाफ करने की तौफीक अता की है, और शुक्र अदा किया कि दुनिया में उससे जो गलती हुई थी उसकी सजा उसे दुनिया में ही मिल गई। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक खानदान के जवाल का आगाज हुआ और सन 1398 में अमीर तैमूर ने दिल्ली पर हमला करके रही सही तुगलक हुकूमत को भी खत्म कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मजीद इस जैसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कर ले हमारा चैनल इल्म की लाइब्रेरी सब्सक्राइब और साथ मौजूद बेल आइकन प्रेस करें ताकि रहते रहें आप बाखबर हमारी हर नई आने वाली वीडियो से।